दुर्गा पूजा की धूम हर तरफ होती है, लेकिन भोपाल में हम जहां इस वक्त मौजूद हैं वहां पर बंगाली एसोसिएशन के द्वारा पिछले 67 साल से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। और अगर बंगालियों में दुर्गा पूजा की बात करें तो अलग ही धूम होती है। यहां पर न सिर्फ धुपची नाच होता है बल्कि अलग अलग एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं। बंगाली में दुर्गा माँ को अलग तरीके से न सिर्फ पूजा जाता है बल्कि उनकी आराधना का विशेष महत्व होता है। तो आज हम कालीबाड़ी में यहाँ पर उपस्थित है न्यू मार्केट के, और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ खास है। देश की सबसे बड़ी सफलता की अगर बात करें तो वो चंद्रयान 3 की लैंडिंग रही है, और इससे ऐसा कोई भी देशवासी नहीं होगा जो कि खुद को गौरवान्वित अनुभव नहीं कर रहा होगा। और इसी थीम पर यहाँ पर बंगाली कालीबाड़ी में इस बार जो दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है वो पूरा का पूरा इसका जो थीम है वो इसरो पर ही बेस्ड है, यानी वो चंद्रयान 3 की सफलता को सेलिब्रेट कर रहा है। और इधर भी हम चाहेंगे देखें तो यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी चंद्रयान 3 रोवर जिसकी लैंडिंग है उसको अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। और इसरो की इस सफलता में जो महिला साइंटिस्ट थी उनका सबसे बड़ा योगदान था, और उसको भी ये दर्शा रहा है। और साथ ही ये दुर्गा पूजा है जो माँ के स्वरूप की पूजा होती है, तो नारी शक्ति की जीत इसरो में भी हुई है और दुर्गा पूजा भी इसी को दिखाता है। और बंगाली कालीबाड़ी का ये आयोजन इसलिए खास है क्योंकि इस बार की थीम हमारे चंद्रयान 3 की सफलता को दिखाता है, महिलाओं की विजय को दिखाता है। यहाँ पर इतना भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है और बहुत लंबे समय से हो रहा है, तो हम थोड़ा सा उसके इतिहास के बारे में ज़रूर आपको बताएंगे और चाहेंगे कि हम भी खुद जानें इसके भव्य इतिहास के बारे में। हमारे साथ इस पूजा कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं सत्यजीत चैटर्जी जी वो मौजूद हैं, तो वो हमें थोड़ा सा बताएंगे यहाँ के आयोजन के बारे में। सर, आपका पहले बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और आपको दुर्गा पूजा की बहुत शुभकामनाएँ। ये मेरा सवाल है कि यहाँ जो भव्य जो हम प्रतिमा देख रहे हैं, लोगों की भीड़ है और एंटरटेनमेंट की भी इतने अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कब से ये आयोजन यहाँ पर होता है, थोड़ा सा आप इसके इतिहास के बारे में। लगभग 1954 की बात है जब यहाँ पे मुश्किल से मुट्ठी भर बंगालीज होते थे जिन लोगों ने यहाँ पर ये पूजा का आयोजन शुरू किया था। तो 1954 और उसके बाद 60 आते आते तक यहाँ पे छोटा सा मंदिर का निर्माण हुआ, और यहाँ पे हमारे जो प्रेडिसेसर्स हैं जो यहाँ की पोजीशंस में थे, भोपाल का तब फॉर्मेशन हो रहा था जिसमें मिस्टर तरुण भादुड़ी, जय भादुड़ी के पूज्य पिताजी, और ये सब लोग इस तरह के बहुत हमारे मिस्टर बोस थे जो डॉक्टर थे यहाँ पे, इन लोगों ने ये कालीबाड़ी शुरू करी थी और वही उनकी विरासत को हम लोग उसको आगे करने की कोशिश करते रहते हैं और हर साल इसका आयोजन करते हैं। इस बार क्या कुछ विशेष है, अष्टमी नवमी चूंकि अभी कल ही है, और इसमें क्या स्पेशल रहेगा लोगों के लिए? मैं अगर बहुत ब्रीफ में बताऊं आपको तो ये हम लोग ये पूजा जो है वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में, बिहार में, सारा नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें एक इसका एक पूरा बुखार जैसा रहता है लोगों को, क्योंकि जब 17वीं शताब्दी के समय में और उसके बाद 18वीं शताब्दी तक जब तक अंग्रेजों का शासन था और मीटिंग करना तक बहुत मुश्किल होता था, तो सार्वजनिक दुर्गा पूजा करने का एक कंसेप्ट पैदा हुआ, सारे लोगों का एक मीटिंग स्थल जो बनाने के लिए और ये पूजा करना एक सार्वजनिक पूजा का कंसेप्ट आया। पूजा पहले होती थी लेकिन बहुत बड़े घरों में, जमींदार घरों में ही काली पूजा सीमित थी। सार्वजनिक पूजा में सब लोग इकट्ठे होकर के आज़ादी के बारे में पूरी प्लानिंग करते थे और आदमी जोश से भर जाता था, और माँ दुर्गा को हमेशा माता, भारत माता की तरह से एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई, और हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने हमेशा इसको एक जोश के रूप में कि हमें माँ दुर्गा को फ्री करना है, हमारे हमारे आज़ादी हमें प्राप्त करनी है, वहाँ से वो करते 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 वो जोश आज लगभग पूरे इंडिया में, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि यूरोपियन कंट्रीज में भी आप जहाँ जहाँ आज हिंदू हैं वहाँ पे हिंदू मंदिर आपको मिलेंगे, पूजा का एक पूरा जोश मिलेगा। तो वही जोश हम लोग आगे भी कायम रहे, हमारे बच्चे इसको सीखें, हमारे बच्चों में अच्छे कल्चर का प्रचार होता रहे, बस यही हमारी कोशिश रहती है। तो जैसे आप तो यहाँ पे इसरो का वो थीम लगा है उसके बारे में थोड़ा सा, तो आप देखिए हमारे साइंटिस्ट, हमारे भारतवर्ष के साइंटिस्ट ने कितना कमाल किया है, और आज भारतवर्ष दुनिया का एकमात्र देश है जो चंद्र के साउथ पोल पर जाकर के लैंड कर सका है, और हमारा चंद्रयान वहाँ पर के गया और वहाँ पे हमारा रोवर उतरा, उसने सारे इन्वेस्टिगेशंस किए 14 दिन तक। तो इस बार हमने सोचा था कि इस तरह से कोई थीम बनाया जाए कि लोगों को ये लगे कि माँ के साथ हम सब लोग चंद्र यात्रा पे हैं। शाम को इस तरह से झांकी यहाँ पे बनाई जाती है
कि आपको ऐसा लगे कि आप मान लो चंद्रलोक में ही विचरण कर रहे हैं, और उसके पीछे उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे देखें, हमारे हमने चारों तरफ अपने साइंटिस्ट की फ़ोटो लगा रखी है, शुरुआत से लेकर के आज तक के जितने भी साइंस और हुए हमने बच्चों को ये बताने की, और सारे लोगों को इसमें जोश भरने की कोशिश करी है कि आप देखिए, आप अच्छे से पढ़िए, आप अपने देश का नाम और रोशन कीजिए, इसी दिशा में हमारा प्रयास है। आपने बहुत अच्छे से मुझे लगता है बताया, और लोगों को भी ज़रूर क्लियर हुआ होगा कि यहाँ की थीम क्या है और क्या कुछ यहाँ पर विशेष रहेगा। यहाँ पर बंगाली कालीबाड़ी में छोटी छोटी बच्चियों ने बहुत सुंदर सुंदर डांस परफॉर्मेंसेस भी दिए हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो उनको कैसा लगा यहाँ परफॉर्म करके, यहाँ की जो थीम है उसके बारे में वो क्या कहती हैं। यहाँ पे परफॉर्म किया आपने, क्या नाम है आपका, कौन से क्लास में हो? मेरा नाम प्रत्युषा चौधरी और मैं क्लास 5 में हूँ। क्लास 5 में हो, तो यहाँ आज आपने कौन से उस गाने पे परफॉर्म किया है? एक तो गणेश वंदना और एक एगरी नंदिनी का। कैसा लगा यहाँ परफॉर्म करके और दुर्गा पूजा को लेके क्या एक्साइटमेंट है? मेरे को यहाँ पे आके और यहाँ परफॉर्म करके बहुत ही अच्छा लगा, एंड मुझे दुर्गा पूजा की तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, आई एम वेटिंग फॉर दैट ओनली। वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे और भी जो प्रस्तुतियाँ हुई हैं उसके भी कलाकार हमारे साथ हैं, तो दुर्गा पूजा का जो समय होता है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर भी हमें वो शक्ति वो महसूस होती है, और जब इस तरीके से आप ड्रेसअप होके कुछ ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको कैसा लगता है? हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। ये जो पूरा का पूरा ग्रुप आप देख रहे हैं, उनकी जो लीडर हैं, जो इन्हें ट्रेन जिन्होंने किया है, उनसे भी हम जानेंगे कि कब से ये इसके लिए, आपने क्या यहाँ पे परफॉर्म? हम लोगों का थीम था महिषासुर मर्दिनी पे हम लोगों ने परफॉर्म किया। महिषासुर मर्दिनी पे हम लोगों ने कथानक किया है, यहाँ पर नृत्य नाटिका की हुई है जिसमें महिषासुर और दुर्गा जी का हमने ब्रह्म रूप दिखाया है, और उन दोनों के बीच में युद्ध किस तरह से हुआ वो दिखाया है, और अब तपस्या करते हुए वरदान मिला था महिषासुर को, और उसके बाद महिषासुर मर्दिनी ये युद्ध होकर लास्ट में किस तरह विजयी होती है ये पूरा हमने वृत्तांत बताया है कथा में। ये कौन सा? मैंने महिषासुर का रोल निभाया था इसमें, और हाँ जैसे कि जीजी ने बोला कि हाँ महिषासुर को वरदान मिला था ब्रह्मदेव से कि उसका जो वध है वो एक नारी ही करेगी, और वो जो था राक्षस था, घमंडी टाइप का था, उसको नारी की शक्ति का अंदाज़ा नहीं था, तो वो हाँ जो स्टेज पे जो दिखाया गया वो यही दिखाया गया कि जब उसको वरदान मिला तो सबसे पहले उसने नारी का मजाक उड़ाया और वो अपने अहंकार में चूर होकर नारी से युद्ध करने चला गया। उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि एक नारी कितनी शक्तिशाली हो सकती है, तो ये जो पूरा एक्ट है वो हमने इस स्टेज पे नारी शक्ति को भी दिखाता है। हमने नारी शक्ति का प्रदर्शन जो है कि हाँ जितनी सौम्य है उतनी ही उसमें तेज भी है, समय आने पर जितना मातृत्व दिखाती है उतना ही उग्र रूप भी दिखा सकती है समय आने पर, ये एक संदेश भी हमारे नाटक के थ्रू हमने दिया है। यहाँ पे हमारे साथ प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं और उनकी मम्मी भी है, इन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया है तो हम जानेंगे उनसे, तो हम इनकी मम्मी से बात करते हैं। जब बच्चे जब दुर्गा पूजा में तो हर जगह रहती है खुशी की माहौल है, उत्सव का माहौल है, जब बच्चे इस तरीके से तैयार होके कुछ प्रस्तुत करते हैं तो कैसा कैसे भाव आते हैं? नाम मेरा नाम पूनम अग्रवाल है, मैं मानवी की मदर हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत खुशी होती है जब ये तैयार होती है, और एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है बच्चे जब तैयार होकर परफॉर्म करते हैं स्टेज में, देखते हैं प्रोग्राम उनका तो बहुत अच्छा लगता है उनको देख करके। एक्चुअली मेरी बड़ी बेटी भी प्रोग्राम उसको भी आना था पर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से वो आ नहीं पाई, पर ठीक है। लेकिन बहुत यहाँ आके भी बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम ही आई हूँ मैं यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। जो आयोजन होता है बंगाली कालीबाड़ी में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं फर्स्ट टाइम ही यहाँ आई हूँ पर मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा। कालीबाड़ी में इस भव्य दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हमने यहाँ जाना कि किस प्रकार से छोटी छोटी बच्चियों ने उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाई। यहाँ मौजूद जनता से भी बात करेंगे और देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से उनका इस उत्सव को लेके क्या उत्साह है मन में, कहाँ से वो आए हैं, कितने दिनों से वो इस दुर्गा पूजा में सम्मिलित हैं, तो आइए हम बात करेंगे। मैम आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम है मंजूशील और मैं यहाँ पिछले 30-35 सालों से लगातार आ रही हूँ। भोपाल में बहुत सी कालीबाड़ियाँ अब हैं लेकिन पहले ये एकमात्र कालीबाड़ी होती थी, तो हम लोग को शुरू से यहीं आने की आदत है और यहाँ बहुत अच्छा लगता है। खुशी ये है कि जब भी कोई बेटी मायके आती है तो जो मन में कितना हर्ष और उल्लास होता है सेम चीज़ यहाँ पर है। हम सबके चेहरे खिले हुए हैं,
षष्ठी, कल जो षष्ठी का दिन था उस दिन हमने हमारी दुर्गा माँ का आगमन किया, उनका स्वागत किया। षष्ठी से लेकर दशहरे तक, विसर्जन तक बहुत ही हर्षोल्लास से हम इस उत्सव को मनाते हैं कि एक बेटी अपने मायके आई है। मैम, आज चूँकि सप्तमी का दिन है, तो आज इस सप्तमी के दिन पे आपने यहाँ आकर क्या नया देखा? मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम तो हर दिन होते हैं, पर आज के दिन क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि थीम भी रखी गई है इस बार की दुर्गा पूजा में, तो इस बार की दुर्गा पूजा में आज के दिन आपको क्या नया देखने को मिला? जी, इस बार हमने दुर्गा पूजा में जो विशेष देखा है कि जैसे माँ के आगमन को तो हम मनाते ही मनाते, लेकिन हमने जो हिंदुस्तान की जो ऐतिहासिक जीत है चंद्रयान की, हम उसको भी यहाँ मना रहे हैं पूरे दिल से। आप इस पंडाल को देख सकते हैं कि हमारी इस बार की थीम ही चंद्रयान है, और हमें गर्व है कि उस थीम का बहुत बड़ा हिस्सा महिलाएं थी, तो ये भी एक कोरिलेटेड है दुर्गा पूजा से और हमारी महिलाओं के चंद्रयान में योगदान से, तो हम उसे भी यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। निश्चित ही इस पूजा के द्वारा हम हिंदुस्तान को और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे चंद्रयान जैसे और भी अभियान हमारे आगे आएंगे, और उसमें हमारे बाकी लोग तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे ही, लेकिन महिलाएं विशेष रूप से आगे रहेंगी। कालीबाड़ी में द बंगाली एसोसिएशन द्वारा आज इस दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। इस दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ के भव्य स्वरूप के दर्शन किए। हमने यहाँ की जनता से जाना कि किस प्रकार उनका हर साल इस कालीबाड़ी में मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा को लेकर क्या उत्साह रहता है। यहाँ अलग अलग जगह से लोगों ने आकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। इसी के साथ आज इस बार की जो दुर्गा पूजा की थीम है वो हमारे चंद्रयान 3 की सफलता के ऊपर है। इस बार इस दुर्गा पूजा की थीम में नारी शक्ति को भी दर्शाया गया है। अभी की इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।